McGill University, Montreal में वाकई McGill University इस साल Canada की top universityों में second number पर है, जो world ranking में 31st पर है. 1821 में काइम McGill के पास फिलहाल 39,660 international students हैं, जिनमें से 32% students outside Canada के हैं. So you can imagine how international students targeting this university. McGill University counts 12 Nobel Laureates and 145 Rhodes Scholars among its alumni as well as current Canadian Prime Minister Justin Trudeau is graduate from this university. इसकी जो entry requirement है, undergraduate पे आपको A stars and double A से लेकर minimum triple B's होना बहुत जरूरी है to secure the admission. इससे lesser ना apply करें, otherwise you won't get the admission. अच्छा, जो इसकी postgraduate की जो entry requirement है, postgraduate की जो entry requirement है उसमें आपके पास 3.0 CGPA out of 4 होना बहुत जरूरी है या 70% marks आप कह लें. Then you are eligible to secure the admission. But as I said, minimum criteria does not guarantee your admission. अच्छा, इसके English language requirement के ऊपर नजर डालते हैं. IELTS में 6.5 और greater in academic module होना बहुत जरूरी है. TOEFL internet based में 86 overall होना चाहिए, no less than 20 in each component. Each component मतलब चारों components पर है. इसकी जो tuition fees है, undergraduate जो business degree programs हैं वो 59,697 Canadian dollars में offer होते हैं. STEM degree program 26,446 से लेकर 52,698 Canadian dollars पर है number close होते हैं. और जो arts degree program है वो 23,988 से लेकर 29,596 Canadian dollars पर है number close होते हैं. पोस्टग्रेजुएट के जो बिजनेस डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो 14,316 कैनेडियन डॉलर से लेकर 15,324 कैनेडियन डॉलर्स में ऑफर होते हैं. इनके जो स्टेम डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो 28,044 से लेकर 28,534 पर एनम पर, डिपेंड्स अपॉन योर मेजर. एमबीए जो है, एमबीए इनके पास 31,093 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम में प्रोग्राम ऑफर होता है. और जो इनका रिसर्च मास्टर्स है, थीसिस बेस्ड जो प्रोग्राम है, वो ओनली 9,330 कैनेडियन डॉलर से लेकर 21,470 कैनेडियन डॉलर्स पर एनम में ऑफर करती हैं. इनटेक सितंबर, जनवरी एंड मई, साल में तीन इनटेक हैं, मेजर सितंबर ही होता है. एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जनवरी फॉर अंडर ग्रेजुएट और 15 फेब और 15 मई एंड 15 सितंबर फॉर एज पर देयर इनटेक. एप्लीकेशन फी जो है वो $50 से लेकर 171 कैनेडियन डॉलर्स हैं. तो डिपेंड अपॉन योर प्रोग्राम, उसके मुताबिक ही वेरी करती है. मोस्टली आपको 50-200 के इन बिटवीन मिल जाएंगी. स्कॉलरशिप, एंट्रेंस स्कॉलरशिप फॉर फ्यूचर अंडर ग्रेजुएट मेरिट बेस्ड एंट्रेंस स्कॉलरशिप होती हैं ये, जो कि आपको मेरिट की बेसिस पे मिलती हैं. और आप समझें कि आपको अप्लाई नहीं करना सेपरेटली, यू जस्ट हैव टू सिक्योर मैक्सिमम ग्रेड्स. और इसमें जो अमाउंट है अराउंड 3,000 कैनेडियन डॉलर्स तक का जो है ना वो आपको मिल जाता है. और ये अमाउंट नॉन रिन्यूएबल होता है. लाइक आप समझेंगे, वंस यू सिक्योर तो आपको बस ही 3,000 ही मिलना है. वन ईयर की स्कॉलरशिप ही होती है. अच्छा, और जो उनकी जो दूसरी मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जी वो 3,000 से लेकर 12,000 के इन बिटवीन होती है. ये रिन्यूएबल है, ये भी अंडर ग्रेजुएट के लिए. तो ऐसी स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप सेम एंट्रेंस स्कॉलरशिप वंस इन अ ईयर मिल रही है जो नॉन रिन्यूएबल होगी. और अगर आपके पास एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं तो आप इन बिटवीन 12,000 तक जा सकते हैं, जो कि 3,000 ही होगा बट रिन्यूएबल होगा. तो जब भी आप स्कॉलरशिप आप सिक्योर करें तो यू मस्ट चेक द ऑफर कि इज इट रिन्यूएबल कि वन टाइम स्कॉलरशिप मिली है. तो आप समझें कि ये अप टू 4 ईयर्स तक आप इसको, 3 ईयर्स 4 ईयर्स जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम होगा आप उसको ले सकते हैं. और ये मेरिट बेस है, ऑटोमेटिकली आपको मिलती है. यू डू नॉट हैव टू अप्लाई, जस्ट सिक्योर मैक्सिमम ग्रेड्स टू रिसीव दिस स्कॉलरशिप.